आरवीएस मणि के आरोप पर पूर्व एसआईटी चीफ सतीश वर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा उन्हें टॉर्चर करने की बात निराधार है। यदि मैंने उन्हें सिगरेट से जलाया भी है तो यह एक अपराध है और वो मेरे खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे। ये जो इन्होंने टॉर्चर की बात की है कि फिजिकल टॉर्चर सिगरेट, सीबीआई की तफ्तीश में उनके इन्वेस्टिगेशन में कभी भी किसी भी आदमी को इस तरह की हरकत नहीं की जाती है, और फर्ज करिए कि मैंने की हो तो ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंडक्ट होगा और शायद अपराध भी होगा कानून में। इशरत जहां पर सतीश वर्मा ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले थे जिससे पता चले कि इशरत जहां को लश्कर ए तैयबा ने आतंकी ट्रेनिंग दी है या उसके आतंकी संगठन से कोई संबंध है। जो सबूत हैं वो ऐसे होने चाहिए कि दिखाएं कि इशरत की मूवमेंट्स, उसकी गतिविधियां, उसकी ट्रेनिंग, ये सब क्या एक टेररिस्ट की थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, उससे पहले एसआई की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ। इससे पहले कल आंतरिक सुरक्षा विभाग के सेक्रेटरी आरवीएस मणि ने कहा था कि इशरत केस में आईबी को फंसाने के लिए कांग्रेस ने दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि एसआईटी के एक अधिकारी ने दबाव बनाने के लिए पैंट को सिगरेट से दाग दिया। चिदम्बरम साहब एक दिन आए, फाइल वाइल पड़े, हड़बड़ी मची, एक दिन फाइल लेके उन्हीं के चले। अब किस लेवल पे ये दूसरा एफिडेविट का मसौदा बना, इसका मैं ज्ञात नहीं हूं। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरे से लेवल से और मेरे से दो लेवल ऊपर वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, उन लेवल पे इसका मसौदा तैयार नहीं किया। हाँ, सिगरेट लगाया गया है। वो सब देखिए, मैं डायरेक्टली फैक्ट वाइज नहीं डाला मुझे, पर सब कुछ डाल रखा है और ये मैं इसलिए रखा हुआ था कि केस में आईबी ने स्पेशल डायरेक्टर रहे सुधीर कुमार ने भी कहा था कि इशरत जहां के लश्कर ए तैयबा से लिंक का आईबी इनपुट सही था। इस इनपुट को तब गुजरात सरकार को भेजा गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीएम ने लाहौर जाने से पहले उनसे बातचीत की थी। सुषमा ने यह बात लोकसभा में राहुल गांधी के उठाए गए उस सवाल का जवाब देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुषमा स्वराज पीएम के लाहौर दौरे से अनजान थी। अफगानिस्तान से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की तो उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे फोन किया और मेरी राय जाननी चाही, और मैंने उन्हें कहा कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव होगा, इसलिए आपको लाहौर चले जाना चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने बनाई है काले धन को गोरा करने की योजना। जेटली जी का फॉर्मूला है कि उन्हें टैक्स दीजिए और अपना काला धन सफेद करा लीजिए। कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। क्या वायदा किया नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल गांधी ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि देश का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है और सिर्फ प्रधानमंत्री देश नहीं है। राहुल ने कहा कि पीएम ना अपनी पार्टी की सुनते हैं और ना किसी की, बस अपनी करते हैं। राहुल ने सरकार पर हमला कर कहा कि मैंने सिर्फ एक बात कही कि गांधी हमारे हैं और सावरकर आपके, और आप लोग भड़क गए। मुझे एक बात बताइए कि क्या सावरकर आपके नहीं हैं? क्या आपने उन्हें उठाकर फेंक दिया? हमारे हैं सावरकर आपके, क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है क्या? क्या आपने उनको उठाकर फेंक दिया? लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि पीएम सिर्फ अपनी सोच से देश नहीं चला सकते, आप ना जेएनयू को कुचल पाओगे और ना ही इस देश के गरीब को। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक तेंदुआ गांव के पेड़ पर चढ़ गया, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। मणिपुर की एक महिला के साथ मुंबई में कथित तौर पर एक आदमी ने मारपीट की। ईरान की सरकार ने 49 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अप्रत्याशित लाभ साबित हुआ है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान मार्टिन क्रो का लिपोमा बीमारी के चलते 53 साल की उम्र में निधन हो गया।
तिहाड़ जेल से आज बाहर आएगा कन्हैया कुमार। 10,000 की निजी मुचलके पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए जयललिता ने खेला मास्टर स्ट्रोक। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से फिर मांगी इजाजत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ा नक्सली हमला। मुखबिरी के आरोप में 16 बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट। नीतीश कुमार को सीएम बनवाने वाले प्रशांत किशोर को यूपी कांग्रेस की कमान। राहुल गांधी ने किया औपचारिक ऐलान। आईआईटी कानपुर के टेक कृति के 22वें संस्करण में शिरकत करेंगे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई। ईपीएफओ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उसके पीछे राजस्व में वृद्धि करना नहीं बल्कि भारत में सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करना है। मणिपुर में अफसपा को हजारे को लेकर सालों से उपवास पर चल रही एरोम शर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। एरोम पर उपवास करके आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर के बौद्धिस्ट थाईलैंड के यथवित्था में एकत्रित हुए और इस बात की चर्चा की कि किस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार किया जाए। नासा का एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक साल बिताने के बाद सकुशल धरती पर वापस आ गया। पटना हाईकोर्ट ने तेजाब कांड में आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को जमानत दे दी है। सहारनपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी के लिए मतदान किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चंदौली भदोही सीट पर एमएलसी के वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान जारी है। कानपुर में 5 बेटों के होते हुए भी एक मां बेघर भटक रही है। बेसहारा मां एक मंदिर में शरण लिए हुए है। फरुखाबाद में निजी अस्पतालों के आसपास कई भ्रूण और नवजात शिशुओं के शव मिलने से हड़कंप। हापुड़ में मदर डेयरी का धारा रिफाइंड तेल नकली नाम से बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने की छापेमारी। पीलीभीत में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा और भाजपा पर निशाना साधा। आगरा में दलित हिंदू नेता की हत्या को लेकर बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने प्रदेश की सपा सरकार और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के बयान के विरोध में आगरा के में सर्वदलीय मुस्लिम संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। कौशाम्बी में दूल्हा सांवली दुल्हन को देखकर मंडप से भाग गया जिससे दुल्हन को भारी सदमा पहुंचा और वो बेहोश हो गई। संत कबीरनगर से भगवानपुर गांव के लोग अनोखी घटनाओं को लेकर दहशत में हैं और सड़कों पर सो रहे ग्रामीण शंभू के मुताबिक घर में अचानक पत्थरों की बरसात होने लगी। सहारनपुर में स्कूटर सवार बदमाशों ने चचेरे भाई की गोली की गोदी से 4 महीने के मासूम का अपहरण कर लिया जिसके बाद गुस्साए लोगों ने देहरादून हरिद्वार मार्ग में जाम लगा दिया। मुरादाबाद में शादी समारोह में एक शराबी ने हर्ष फायरिंग कर दी जिसके चलते शादी में शामिल लड़की की गोली लगने से मौत हो गई। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के थापर बाजार में बेखौफ बदमाशों ने एक एलआईसी एजेंट की हत्या करके 1.5 लाख रुपए और स्कूटी लूट ली। लखनऊ पुलिस ने बंथरा इलाके में हुई हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में टप्पेबाजों ने महिला को झांसा देकर उसके आभूषण उतरवा लिए और मौके से फरार हो गए। फतेहपुर पुलिस ने पिछले दिनों ज्वालागंज बस स्टॉप पर हुई चोरी के मामले में मुरादाबाद के 2 टप्पेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में शातिर चोर सरेआम 4 पहिया गाड़ी का शीशा तोड़कर जरूरी कागजों और पैसों से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। भदोही में गांव नैपुरवा के ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। लखनऊ में सर्राफा कारोबारियों ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में यूपी सिंचाई संघ ने ग्रेड पे पेंशन और अन्य मांगों को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। लखीमपुर में आगामी 20 तारीख को लुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। काशी के सिगरा थाने में पुलिस विभाग ने नागरिक संगठन और पुलिस मित्रों के साथ बैठक की जिसमें आगामी शिवरात्रि के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई।
नोएडा के सेक्टर 37 में रहने वाली महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला दिल्ली के चांदनी चौक में बुटीक का काम करती है। महिला की कार नोएडा के सेक्टर 29 ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास संदिग्ध हालत में पड़ी हुई। 1:18 के आसपास नोएडा से निकली थी और वो दिल्ली जा रही थी। उनका लास्ट जो लोकेशन है वो लाजपत नगर नई दिल्ली का मिला है और वहीं से उन्होंने 100 नंबर कॉल की थी दिल्ली कंट्रोल रूम को। उसके बाद गोरखपुर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस ने 100 नंबर पर फोन आया था। प्रतापगढ़ के विकास भवन में तालाबंदी के साथ कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल में कई संगठन के लोग शामिल। जालौन में मासूम की रेप के बाद की गई हत्या। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। बलरामपुर में लेखपाल भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। अब तक दूसरी सूची में शामिल किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तारीख तक मुहैया नहीं करवाई गई है। आगरा के थाना खंडौली के नंदलालपुर गांव में दो प्रॉपर्टी डीलर के विवाद में जमकर पत्थर और गोलियां चली। पेशी पर लाए गए दो कैदियों को अलीगढ़ पुलिस ने रसमलाई खिलाई। गाजीपुर के दिलराजनगर के उसिया गांव में विवाहिता से उसके देवर ने शादी के लिए दबाव बनाया लेकिन इनकार करने पर उस विवाहिता पर कैरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में काले तेल का खेल चल रहा है। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में संदिग्ध का पीछा करते वक्त बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अलीगढ़ का मोहन लाल गौतम राजकीय चिकित्सालय महज दो महिला डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। पीलीभीत की नगर पंचायत बिलसांडा में नामित सभासद आशीष सक्सेना ने निर्माण कार्यों में हुई धांधली की शिकायत की है। लखनऊ के हुसैनगंज के कुरौली नगर में ड्राइवर देशराज की उसी की गाड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। जालौन में शादी समारोह में आई 7 साल की मासूम के साथ दरिंदों ने हैवानियत दिखाई। कासगंज के सहावर क्षेत्र में ट्रेन से कटकर प्रेमी युगल की मौत हो गई। दोनों हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे थे। सहारनपुर में सराफा व्यापारियों ने 3 दिन की हड़ताल कर दी है। बरेली में आम बजट में सोने व हीरे के आभूषणों पर 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के विरोध में सराफा कारोबारी लामबंद हो गए हैं। मथुरा में भी सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली का पुतला भी फूंका। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में छोटी उम्र के लड़के चंद पैसों के लिए जिंदगी का जुआ खेल रहे हैं। कानपुर के गोविंद नगर थाना पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 50,000 के करीब अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। बिजनौर में एक ही परिवार के दर्जन भर कांवड़ियों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इलाहाबाद में सुसाइड पॉइंट बने यमुना नदी के पुल पर एक शख्स लोगों की को जिंदगी दे रहा है। महोबा के कुलपहाड़ के रहने वाले उस्मान ने वृंदा पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया था लेकिन तहसील ने आय प्रमाण पत्र में तो आय दिखाई है वो चौंकाने वाली है। फतेहपुर के तेसाही बुजुर्ग गांव में चंद पैसों और शराब के लालच में नाबालिग मासूमों के परिजनों को बहला फुसलाकर हरियाणा और दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है। बांदा के जीआईसी हॉस्टल में 13 साल के बच्चे के साथ उसके टीचर ने अश्लील हरकत की। फरुखाबाद के कमालगंज के फिरोज गांधी जनता इंटर कॉलेज में नकल के लिए अवैध वसूली की जा रही है। गोरखपुर में फर्जी लूट का खुलासा हुआ है। फरुखाबाद में डीजीपी के फरमान के बाद पुलिस सड़कों पर दिखाई देने लगी है। शामली पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर संचालक से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा के वजीरगंज इलाके में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बदायूं में सपा प्रत्याशी बनवारी सिंह यादव पर बीडीसी सदस्यों को बंधक बनाने का वीडियो में पुलिस की संदिग्ध भूमिका होने के बाद एसएसपी ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। गोरखपुर में कोरियर देने आए व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने लूट की नीयत से गोली मार दी।
इटावा सीएमओ कार्यालय के दवा स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के थापर नगर में एलआईसी में जॉब करने वाली युवक की स्कूटी सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बरेली में बदमाशों ने एसएसपी ऑफिस के सामने दवा व्यापारी से दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए लूट लिए। लखीमपुर खीरी में बेकॉफ बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार एक महिला से 3,90,000 रुपए लूट लिए। इलाहाबाद में ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाले फ्लिपकार्ट कंपनी की डिलीवरी एजेंसी के में तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। कुशीनगर के तमकुहीराज कस्बे में एक निजी अस्पताल में तैनात चिकित्सक और कर्मचारियों की घोर लापरवाही से प्रसूता की मौत हो गई। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बीते 22 फरवरी को ही महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली कोतवाली में 22 फरवरी से लापता महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। चुनाव ड्यूटी में कानपुर से बलरामपुर जा रही 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर की बस असंतुलित होकर रामनगर थाना क्षेत्र के रानी बाजार के पास पलट गई। गोंडा में एमएलसी चुनाव की सुरक्षा को देखते हुए दो माननीयों के होटलों पर छापेमारी की गई। मेरठ में 29 जनवरी को एक फैक्ट्री में हुई लाखों की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मैनपुरी में बीएसएनएल का ड्राइवर परिवार सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। विभाग में 2 साल नौकरी करने के बाद उस ड्राइवर को निकाल दिया गया था। हाथरस में ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हाथरस में एडीजे के घर हुई चोरी का जीआईजी ने खुलासा कर दिया। मुरादाबाद में सराफा व्यापारी केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट में सराफा कारोबार पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। गोरखपुर के घंटाघर स्थित सराफा बाजार के सराफा कारोबारियों में टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर आक्रोश है। आगरा के थाना अजनेरा में एक 32 वर्षीय किसान ने आर्थिक तंगी से तंग आकर पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। खुदकुशी के आनंद काशी के आनंद मार्ग आश्रम को दबंगों द्वारा गिराए जाने के विरोध में संतों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। गोरखपुर सीएनजी ऑटो चालकों का दूरी के हिसाब से किराया नहीं दिए जाने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑटो चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। अयोध्या में जन्मी कोरिया की महारानी की वजह से अयोध्या और कोरिया में गहरा नाता है। अमरोहा की क्राइम ब्रांच की स्वॉट टीम और गजरौला पुलिस ने 17 लाख रुपए की लूट करके ट्रक चालक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीलीभीत के बरखेड़ा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और नेता विरोधी दल विधान परिषद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा कर पीलीभीत और प्रदेश की चुनावी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इलाहाबाद पुलिस ने 2 ऐसे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो ज्यादातर महिलाओं को ही अपना निशाना बनाते थे। ललितपुर में चल रहे जुए एवं सट्टे के अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी की है। फतेहपुर के अशोथर थाने के बर्रेव गांव में 80 साल के दबंग स्वामी सिंह को गांव के ही दबंगों ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। मऊ में एक 3 साल के मासूम बच्चे को पड़ोसी ने अपनी हवस का शिकार बनाने का कोशिश की। भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू भाजयुमो के आगामी 4 से 6 मार्च तक मथुरा के वृंदावन में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आजमगढ़ पहुंचे। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र में क्षेत्रवासियों ने कालाबाजारी के लिए जा रहे राशन के गेहूं से भरे टाटा 407 को पकड़ लिया। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के पहावटी चेक पोस्ट पर बुलंदशहर एसओजी टीम ने तस्करी के लिए जा रही शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया। हापुड़ में फर्जी ऑयल फैक्ट्री पर पुलिस ने की छापेमारी। मुख्यमंत्री हरीश रावत आज करेंगे नैनीताल का दौरा। उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा। हरिद्वार के कंथल में दिल्ली हाईवे पर पुलिस की बोलेरो कार बेकाबू होकर पलट गई। हल्द्वानी में गौला नदी में खनन का काम एक बार फिर से रुक गया है। आम बजट का असर उत्तराखंड के बजट पर दिखाई देगा।
हाईकोर्ट से गेस्ट टीचर्स को झटका लगने के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। 9 मार्च से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। देहरादून में 16 साल की छात्रा कनिका की मौत मामले में बीजेपी ने ऑडियो क्लिप का संज्ञान लिया है। राजधानी देहरादून में पुलिस ने एक महिला को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। स्मार्ट सिटी की अप्रैल माह में आने वाली दूसरी लिस्ट को लेकर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार खासे आशान्वित हैं। देहरादून में शुरू की गई शाम की क्लासेस मजाक बनकर रह गई हैं। हल्द्वानी में 120 सराफा व्यवसायियों ने 3 दिन तक अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड पेयजल निगम के एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने निगम के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दून में बेखौफ भू माफिया अब सशस्त्र सुरक्षा बल की जमीन बेचने से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में बागेश्वर में हो रहे खनन पर रोक की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने खुलासा किया कि नगरपालिका मसूरी ने रोपवे के टेंडर को लेकर एक बड़ा घोटाला किया है। रुद्रपुर पहुंची महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रीना कपूर ने बताया कि 8 मार्च को महिला कांग्रेस द्वारा देहरादून में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शाहजहां मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को षड्यंत्र के लिए जेल भेजने की मांग की है। अर्धकुंभ में चोर लाइटों के लिए लगाए गए बल्ब सीएफएल और ट्यूबलाइट और तारों को भी नहीं बख्श रहे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही विद्युत विभाग ने वसूली की कार्रवाई तेज कर दी है। हल्द्वानी के राजपुरा इलाके में वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने लोगों की जन समस्याओं के निपटाने के लिए हल्द्वानी पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने राज्य सरकार को युवा विरोधी बताया। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म बागी का टीजर पोस्टर जारी किया गया है। फिल्म उड़ता पंजाब में करीना कपूर डॉक्टर के किरदार में नजर आएंगी। 22 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म संता बंता में धमाल मचाने के लिए बोमन ईरानी वीरदास के साथ तैयार हैं। फिल्म बाहुबली पार्ट 2 की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। फिल्म साल 2017 की 14 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म 3 पत्ती से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली श्रद्धा कपूर के जन्मदिन पर लोगों ने उन्हें खूब बधाइयां दी। 2 साल बाद फिल्म मेरी प्यारी बिंदु से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा एफएचएम मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म फैन के प्रोत्साहन के लिए कपिल शर्मा के नए शो में आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी अपकमिंग फिल्म बेवॉच की शूटिंग के दौरान व्हाइट लो कट ब्लाउज और स्कर्ट पहना हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के ससुर कर्नल रमेश चंद्र चिब्बा का यहां शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। अलगाव की खबरों के बीच अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान ने टीवी शो पावर कपल का फिनाले एपिसोड शूट किया। अभिनेता फिल्मकार अरबाज खान का कहना है कि वह अपनी पत्नी मलाइका अरोड़ा खान के प्रति काफी संवेदनशील हैं।